हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो हमारी फिटलिशियस सीरीज की आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाई प्रोटीन क्रिस्पी अप्पे, जो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है एंड दे आर सुपर डिलिशियस। अच्छी बात क्या है कि इनमें बहुत ही बैलेंस अमाउंट में कार्ब्स एंड बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर भी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्रिस्पी अप्पे को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसे बनाने के लिए हमें आधा कप चाहिए सूजी, दही आधा कप। आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप दही स्किप करना चाहते हैं। मिक्स वेजिटेबल 1 कप, टोफू यानी सोया पनीर या फिर आप नॉर्मल पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आधा कप, नमक स्वाद के अनुसार। सीजनिंग है जैसे कि मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, धनिया और जीरे का पाउडर है, कुछ ड्राइड हर्ब्स हैं, आप अपनी पसंद से सीजनिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल है, थोड़ा सा पानी, और अगर आप दही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप इसमें 1 चम्मच इनो को यूज़ करें ताकि ये अंदर से सॉफ्ट बने। तो सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है मीडियम साइज़ का, जिसके अंदर मैंने सूजी ऐड कर दी है, साथ ही दही को भी ऐड कर दिया है। आप थोड़े पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये जो मिक्सचर है वो काफी ज्यादा थिक है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और आधा घंटे पहले हम इसे मिक्स करके रख देंगे। अगर आप मॉर्निंग में काफी बिजी रहते हैं तो आप इसे मिक्स करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, और मॉर्निंग में आप जब इसे कुक करना हो उससे थोड़ी देर पहले निकाल लीजिए। अब एक बड़े बोल के अंदर हम सबसे पहले वेजिटेबल्स को ऐड कर रहे हैं। ये मिक्स वेजिटेबल्स हैं, आप अपनी पसंद की कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं टोफू यानी सोया पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप नॉर्मल पनीर भी ले सकते हैं, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। दोनों चीजों को मिक्स कर देंगे और अब सूजी और दही का मिक्सचर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ये है हमारी सॉल्ट एंड सीजनिंग। एज आई सेड कि आप सीजनिंग को चेंज कर सकते हैं, आप इसके अंदर हरी मिर्च काट कर ऐड कर सकते हैं, चाहे तो कोरिएंडर फ्रेश या दिल या जो भी आपकी पसंद की सीजनिंग है, मसाले हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका मिक्सचर जो है वो थोड़ा थिक होना चाहिए। तो अब ये अप्पे मेकर है जिसे मैं हल्का सा ग्रीस कर रही हूँ। 1 टीस्पून ऑयल काफ़ी होगा, आपको सिर्फ चारों ओर इसके लगाना है ताकि हमारे अप्पे जो हैं वो क्रिस्प बने। तो मैंने ग्रीस कर दिया है और अब मैं इनके अंदर अप्पे का जो मिक्सचर है वो डाल रही हूँ। तो 1 स्कूप फुल अप्रॉक्सीमेटली हम ऐड करेंगे हर कैविटी के अंदर, हर जो हमारी ये मोल्ड है। इसे ऐड करने के बाद धीमी आंच पे हमें इसे कुक करना है। पूरा ये जो प्रोसेस है कुकिंग का धीमी आंच पे होगा। इसे कवर कर देंगे हम और कवर करने के बाद एक साइड से 3 या 4 मिनट में ये कुक हो जाएंगे। ऊपर से ये स्टीम से कुक होंगे क्योंकि हमने कवर किया है, और नीचे डायरेक्ट हीट से। अब हम इन्हें टर्न कर देंगे और टर्न करके दूसरी साइड से भी 2 या 3 मिनट अप्रॉक्सीमेटली हम इन्हें कुक करेंगे। तो देखिए ये हर तरफ से अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। टाइम टू रिमूव देम फ्रॉम दी अप्पे पैन। तो मैंने इन्हें रिमूव कर लिया है। तो ये है हमारे अप्पे, देखिए कितने क्रिस्पी साउंड कर रहे हैं और अंदर से दे आर सुपर सॉफ्ट एंड वेजिटेबल्स की वजह से दे आर लुकिंग कलरफुल एज वेल। दे आर वेरी एपेटाइजिंग, दे आर वेरी हेल्दी। टेस्ट टेस्ट कर लेते हैं। आई रियली इंजॉय देम। ये मेरे बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। दे आर हाई इन प्रोटीन, काफ़ी बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट मील है। जब आप ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म उससे तेज रहता है, आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं बिकॉज ऑफ दी थर्मोजेनिक इफेक्ट, आपको क्रेविंग्स नहीं होती है। सो इट इज़ अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट और अ वेरी गुड वे टू किक स्टार्ट योर डे। इन्हें ज़रूर डाइट में ऐड कीजिएगा। इन्हें बनाने के लिए आपको सिर्फ 15 मिनट चाहिए। मैंने इसे सर्व किया है टैमरिंड यानी इमली की चटनी के साथ। आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी जैसे कि हरी चटनी है, कोरिएंडर की या मिंट की, उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर। बाय बाय।